हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिवाली DIYs फेस्टिव DIYs के पार्ट 3 में। सो आज हम बनाएंगे अगेन डोर लटकन्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम फर्स्ट में बनाएंगे काइट डोर लटकन। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप के टू टू पीसेस कट कर लिए और उन्हें स्टिक कर लिया है, जिससे वो स्ट्रांग हो जाए और थिक हो जाए। और ऐसा एक शेप कट कर लेंगे जैसा काइट में नीचे होता है, और हम उसे स्टिक कर लेंगे ग्लू की हेल्प से। ऐसे मैंने बहुत सारे बना लिए हैं, बहुत ही इजी है ये बनाना। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे पेंटिंग। तो ये मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर नहीं किया है क्योंकि मुझे कलर के डार्क शेड्स ही चाहिए थे। व्हाइट करती तो ऊपर जो मैं कलर करती वो लाइट हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई जैसो और व्हाइट कलर अप्लाई नहीं किया है। और नीचे वाले जो काइट का पार्ट होता है उसे भी हम कर देंगे व्हाइट। अब मैंने यहाँ पे ले ली है पुरानी कुछ मेरी ये डेकोरेटिव फ्लावर्स की माला, और इससे मैं निकालूंगी एक एक फ्लावर को। और ये जो पैकेट है ये बहुत पुराना मेरे पास पड़ा हुआ था, ये यूज़ नहीं होता था। इसे मैं जितना भी फ्लावर को खोलूं ये मोड़ ही जाते थे, तो मैंने सोचा कि इसे मैंने कहीं और यूज़ कर लेना चाहिए। तो मैंने उसे फ्लिप किया है और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जो काइट का शेप रहता है जैसा उसमें बना होता है लकड़ियों से, तो वैसे यहाँ पे मैं लेस स्टिक कर रही हूँ। वही वाली लेस यूज़ कर रही हूँ जो मैंने पहले 2 वीडियोस में मैं कर चुकी हूँ DIYs में। तो मैंने पहले भी बताया था कि आप एक चीज़ खरीदते हैं तो उससे आप बहुत सारे DIYs बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली अपनी काइट को लेस से कवर कर दिया। पहले मैंने पेंट किया था एज़ यू कैन सी, बट मुझे लगा कि लेस ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी तो मैंने यहाँ पे लेस स्टिक कर दी है। ऐसा मैंने पूरी काइट्स पे कर लिया है। और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे दो सितारे लगा दिए हैं जिससे ये बहुत ही अच्छी लगेगी। अब मैंने वही अपनी रोप ले ली है, ना जाने मैं इसे कितना यूज़ करूँगी, बहुत सारी DIYs में मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ। और एक लंबी सी स्टिक ले लेंगे, सबसे पहले ऊपर लूप बना लेंगे जिससे इसे हम हैंग करेंगे। वही फ्लावर्स जो मैंने फ्लिप किए थे तो ये हम सबसे पहले स्टिक करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसे फ्लावर्स है जिन्हें आप डेकोरेशन कर करके जिनसे आप बोर हो चुके हैं तो आप डेफिनेटली इसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई भी सामान पड़ा है तो आप उससे डोर लटकन बना सकते हैं। वही एक फ्लावर लगाया है मैंने और यहाँ पे एक काइट लगा दी है। अब वही चीज़ें हम यहाँ पे रिपीट कर देंगे और फिर एक फ्लावर लगा देंगे, और इसके बाद एक डार्क ऑरेंज, एक फिर लाइट ऊपर येलो, लाइट येलो लगाया है, नीचे मैंने लगाया है डार्क ऑरेंज, फिर एक काइट लगा देंगे। और ऐसा हम करते जाएंगे। 5 काइट्स की मैंने यहाँ पे एक लटकन बनाई है एंड 5 काइट्स की दूसरी लटकन बनाई है। और जो फ्लावर्स मैंने स्टिक किए हैं उससे अच्छी खासी लेंथ आ गई है। और यस, बीच में थोड़ा सा गैप दिख रहा था तो मैंने यहाँ पे एक पॉम पॉम भी स्टिक कर दिया। सो रेडी है हमारा पेयर ऑफ लटकन्स। तो कैसा लगा आप प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, एंड डेफिनेटली आप भी ये लटकन रिक्रिएट करिएगा। चलते हैं सेकंड की तरफ। तो ये तो हर कोई बना सकता है। इसके लिए भी मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का यूज़ किया है और 2 लेयर्स को स्टिक कर दिया है। आप यहाँ पे पेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे, बट मैं स्टिक करने वाली हूँ पेपर। ये पेपर मेरे पास बहुत टाइम से पड़े हुए थे और इतना कोई मैं पेपर का यूज़ नहीं करती हूँ, सो मैंने सोचा कि यहाँ पे पेपर यूज़ किया जाए। तो हमें इसे कुछ ऐसे जिगजैग पैटर्न में कट करना है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, एग्जैक्टली हमें वैसा ही करना है। कुछ ऐसे शेप्स कट कर लेने हैं सारे कलर्स के। यहाँ पे मैंने 3 कलर्स यूज़ किए हैं। अब हमें इसे ऐसे लगाना है जैसे हम वो लटकन्स होती हैं, सबको पता ही होगा ऊन की, और डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल ऐसी होती हैं। तो ये हम मिनी लटकन बना रहे हैं, इसको हम लेंथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो ऐसे हमें आमने सामने इसे बस लगाते जाना है, और जो गैप्स दिख रहे हैं उसमें दूसरे कलर के लगाते जाना है। तो यहाँ पे मैंने पिंक, ऑरेंज एंड ग्रीन कलर का यूज़ करके अपने
टू पेयर्स बनाए हैं इस डोर लटकन के। तो ये देखिए कलरफुल बहुत ही बन जाएगा। अगेन मैं कह रही हूँ, आप यहाँ पे इतनी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप डायरेक्टली कलर कर सकते हैं, बट मेरे पास पेपर था और मुझे इसका यूज़ करना था तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पेपर का। बिना कलर के भी बनाया जा सकता है। यस, यहाँ पे मैंने वही ग्लिटर वाली शीट लगा दी है और पीछे हम पिंक कलर का पेपर स्टिक कर देंगे। उसके बाद हम चलते हैं इसकी थोड़ी सी नीचे, हम हैंगिंग्स बनाएंगे। तो ये मैंने बहुत सारे ऐसे बना लिए हैं टू पेयर्स के। अब इसमें हम स्टिक करेंगे इसके एजेस को कवर करने के लिए लेस। तो ये मल्टी कलर की लेस एक है मेरे पास, बट इसके जो नीचे धागे हैं कलरफुल, वो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमने इसे कलरफुल बनाया है। तो हमें मैंने उसे कट कर दिया है और बस लेस को स्टिक कर दिया है। ऐसा हम सब पे एक सा कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे लटकन बनाने के लिए यूज़ करेंगे पॉम पॉम, और जो मैंने गेंदे की डेकोरेटिव माला को तोड़ा था, जिससे मैंने फ्लावर्स निकाले थे, उसके बीच बीच में ग्रीन कलर के पाइप्स, छोटे छोटे स्ट्रॉ यू कैन से, वो निकले थे, तो वो मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। उससे पहले मैंने यहाँ पे इन पीछे रोप्स स्टिक कर दी है और लूप बना दिया है। ये इसकी मैं बात कर रही थी, ये पता होगा सबको, छोटे छोटे स्ट्रॉज निकलते हैं बीच से, तो ये यहाँ पे मैंने स्टिक किए। सुई धागे की हेल्प से मैंने पहले पॉम पॉम और फिर उसके अंदर से पास करते हुए चार चार का सेट बनाकर इस पे मैंने स्टिक कर दिए हैं। तो बहुत ही जल्दी, इजीली एंड अफोर्डेबल हमारी डोर लटकन्स रेडी हैं। आप प्लीज़ बताइएगा ज़रूर आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर फेस्टिव DIYs जो कि बैक टू बैक आने वाले हैं। एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।